बीजेपी के मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कौन उम्मीदवार होंगे इसको लेकर मंथन जारी है। और मंथन क्या कहा यह भी जा रहा है कि कुछ नाम जो है चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि जो नाम अभी रेस में चल रहे हैं उन नामों के अलावा बीजेपी किसी नए चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है मध्य प्रदेश से। और यही वजह है कि तमाम राज्यों के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है राज्यसभा के उम्मीदवार, चाहे बिहार के लिए हों, छत्तीसगढ़ के लिए हों, यूपी के लिए हों, बीजेपी ने सब नाम तय कर दिए, लिस्ट जारी हो गई। आखिरकार मध्य प्रदेश में क्या फेस पचा है, पेज जो इस तरीके से फंसा है जिसको लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है, क्योंकि 3 दिन नामांकन के रह गए हैं। 15 फरवरी को नामांकन शुरू हो जाएगा, 20 तक नामांकन होगा, 27 फरवरी को मध्य प्रदेश में चुनाव है राज्यसभा के लिए। आपको बता दूं कि 230 सदस्य वाली जो विधानसभा है इसमें मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी के कोटे से बात करें तो 4 राज्यसभा सदस्य का जाना तय है। 4 राज्यसभा सदस्य माने एक औसत 38 विधायकों का जो औसत है वो एक राज्यसभा सदस्य चुनेगा। लेकिन कांग्रेस में जहां कहा जा रहा है सिंगल नाम जाएगा, कोई बड़ा नाम हो सकता है, लेकिन बीजेपी में कुछ नामों को लेकर शुरुआत से चर्चा चल रही, अब तक मंथन ही हो पा रहा है। क्या वजह है कि मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी कुछ और सोच रही है, क्योंकि नाम जो चल रहे हैं उनमें नरोत्तम मिश्रा, पूर्व गृह मंत्री लाल सिंह आर्या, बीजेपी के बड़े चेहरे, और इसके अलावा जयभान सिंह पवैया, बीजेपी के पुराने चेहरे रंजना बघेल, ये तमाम नाम जो है रेस में शामिल है। लेकिन क्या पार्टी कुछ और चाह रही है, आलाकमान के मन में कुछ और चल रहा है, क्योंकि बीजेपी अब तक तय नहीं कर पाई कि मध्य प्रदेश किसको राज्यसभा में भेजना है। तय तो कांग्रेस भी नहीं कर पाई, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अगर कोई बड़ा लीडर उतरेगा तो उसमें सोनिया गांधी का नाम भी आ गया। लेकिन बीजेपी में स्पष्ट बहुमत के बाद और जहां पता है कि 4 चुने जाने हैं मध्य प्रदेश से चेहरे, तो क्या पार्टी इसलिए इत्मीनान से मध्य प्रदेश को लेकर निर्णय ले रही है? ऐसा अगर होता तो दूसरे राज्यों में भी होता, छत्तीसगढ़ में भी स्पष्ट मेजॉरिटी है, यूपी में स्पष्ट मेजॉरिटी है, वहां नाम भेज दिए गए जहां ज़्यादा सदस्य बनाने थे। लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ पार्टी अलग ही करना चाह रही है, यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए अपनी लिस्ट जारी नहीं की। मध्य प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवार तय करने में आलाकमान को समय क्यों लग रहा है, ये इस बात का संकेत है कि पार्टी शायद नए लोगों को मौका दे। हालांकि इसमें कुछ दूसरे राज्य के नेता, जैसा होता है कई केंद्रीय नेता भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं जिनको भेजा जाता है, ज्योतिराज सिंधिया भी राज्यसभा के जरिए सदन में पहुंचे थे। लेकिन अब सवाल उठता ये है कि पार्टी के मन में क्या चल रहा है और पार्टी किसके नाम पर मोहर लगाएगी, ये देखना होगा। आप देखते रहें अंपिता।